हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है ध्रुव और आप सुन रहे हैं डीएस के स्टेटस को। तो यार बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आप स्टेटस ट्यूटोरियल डालो, आप अपने चैनल के टॉप पे स्टेटस ट्यूटोरियल डालो, आप वीडियो कैसे बनाते हो, आप कौन सा ऐप यूज़ करते हो। तो भाइयों मैं आपको बता दूँ कि मैं यूज़ करता हूँ अपने स्टेटस को बनाने के लिए काइन मास्टर एप्लीकेशन का। तो गाइस आज हम सीखने वाले हैं इस टाइप के स्टेटस हम अपने फ़ोन में कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। अब हमें काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओ सॉरी, गलती से पबजी ऑन हो गया भाई, पबजी नहीं खेलना है अभी, काइन मास्टर को ओपन करते हैं। 16.9 का स्क्रीन ले लेना है, मीडिया पे क्लिक करके बैकग्राउंड ले लेना है ब्लैक कलर का। इसको जितना आप मतलब का जो म्यूजिक है या डायलॉग उतना तक कर लेना है, अपना म्यूजिक डाल के एक बार उसे सुन ले। अब इस पे लिरिक्स लिखना है तो हर लिखना है, अब हर को हिंदी में कर दिए हर। अब इसका फॉन्ट लेना है तो भाई देवनागरी में यात्रा रेगुलर को ले लेना है, या आपको काइन मास्टर के स्टोर पे मिल जाएगा। तो इसका डुप्लीकेट कर सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग है, यहाँ से डुप्लीकेट करके इसका भी लिरिक्स लिख देंगे आने वाले, और इसका शैडो को हटा देंगे जिससे थोड़ा वीडियो ठीक लगे, और इसका फॉन्ट ले लेंगे। फॉन्ट लगाने के बाद एनिमेशन देना होगा, और टेक्सो पे एनिमेशन देने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे हैं, आपको जो पसंद आए वो लगा लीजिए और टाइमिंग के हिसाब से रख लीजिए। एनिमेशन लगाने के बाद कुछ इस टाइप का दिखेगा, तो बाकियों के भी लिरिक्स लिख लेते हैं इसमें, जैसे तूफान को हिंदी कर देना है, से पहले इसको थोड़ा नीचे में करना है, उसको ऊपर थोड़ा सा साइड में, तूफान से पहले, और डायलॉग के हिसाब से उसको नीचे साइज में दे देना है, और एनिमेशन लगा देना है कोई भी अच्छा वाला। इसमें भी एनिमेशन लगा देते हैं, अब देखते हैं। तो गाइस बाकियों को भी लिरिक्स लिख लेते हैं, लिरिक्स लिखने के बाद इसमें भी एनिमेशन दे देना है। इसमें थोड़ा लेफ्ट साइड से निकले मतलब तो अच्छा लगेगा, पर आप अपने हिसाब से कैसा भी डाल सकते हैं। कुछ इस टाइप से अब वीडियो देखते कैसा लगता है। बाकियों के भी लिरिक्स लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी मैं वीडियो इसको स्किप कर देता हूं। तो देख सकते हैं मैंने सारे लिरिक्स लिख लिए हैं। अब मैन टॉपिक पे आते हैं भाई, बहुत बंदों का ये सवाल है कि ये जो नहीं करते हैं, ये जो बीच में ये वाला जो फिंगर है भाई, ये PNG सोचते हैं भाई, ये PNG नहीं है, ये एक टेक्स है। ये डाउनलोड करने के लिए मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो बाकी के भी लिरिक्स लिख लिए हमने, देखिए ज़रा ये जो हे किया है ना मैंने, ये एक ही टेक्स्ट को एनिमेशन देके कट कट करके कर दिया है, सबको अलग अलग कट कट करके एक ही चीज़ है, बस एनिमेशन एक कर दिया मैंने अलग कट कट करके। और बाकी के बचा पे यहाँ पे आप अपना लोगो लगा सकते हैं, अपना लोगो ले लीजिए, ये मेरा लोगो है। यहाँ पे की का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक का ऑप्शन प्लस करना है, और यहाँ पे भी प्लस करना, और इसको जूम कर देना। जूम करने के बाद कुछ आपको इस टाइप का दिखेगा। तो हमने सारे लिरिक्स लिख लिए हैं, अब बात आती है इनको गोल्डन करने की। तो भाई गोल्डन करने के लिए हम लोग को लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और अपना जो ये PNG भाई है, जो गोल्डन फोटो है उसको ले लेना। तो भाई मेरे पास
बहुत सारे फ़ोटो थे उसमें खोजना पड़ रहा है। तो मैंने यहाँ पे गोल्डन फ़ोटो ले लेता हूँ, मैं ये गोल्डन फ़ोटो नहीं, ये इसके नीचे ये गोल्डन फ़ोटो ले लेना है मेरे को। इसको जूम कर देना है, जूम करने के बाद इसको पूरा फुल कर देना है। फिल करने के बाद नीचे ब्लेंडिंग का ऑप्शन में आके मल्टीपल कर देना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का दिखेगा फुल गोल्डन। तो बट भाई हमें फुल गोल्डन नहीं चाहिए, इसके लिए हमें जो टेक्स है जिसको नहीं चाहिए उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर देना, जिससे ये अपना रंग ढंग में आ जाएगा भाई। तो सारे टेक्स को भी कर देना, जिसको जिसको गोल्डन नहीं रखना है उसको ब्रिंग टू फर्स्ट कर देना है सबको। तो चलिए इसको भी कर देते हैं सबको। तो गाइस हमने सब सारे को गोल्डन कर लिया है, जिसको नहीं चाहिए तो उसको भी कर लिया है। तो एक बार देख लेते हैं। हर आने वाले तूफान से पहले एक जानलेवा खामोशी छा जाती है। तुम, हम गलत अल्फाज पसंद नहीं करते, हम तुम नहीं, आप नहीं। मेरा लोगों को ज्यादा ही गोल्डन हो गया, कोई बात नहीं। अब वीडियो को स्पॉट कर लेते हैं। वीडियो पे क्लिक करके यहाँ शेयर टाइप का ऑप्शन और होगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो आपको जो करना वो कर लिया, 1080 में भी कर सकते हैं, 720p पे भी कर सकते हैं। तो भाई मुझे 720p पे बेटर लगता है, तो भाई चलिए एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो गाइस वीडियो बन गया है। रुको जरा, सबर करो। रुको भाई, कुछ और भी इफेक्ट डालने हैं भाई इसमें, इससे तो मज़ा नहीं आ रहा। तो भाई 16.9 का स्क्रीन फिर से लेना है, मीडिया ब्लैक बैकग्राउंड नहीं, अपना एक्सपोर्ट वाला वीडियो लेना है। देख सकते हैं अपना एक्सपोर्ट वाला वीडियो आ गया। इसमें और इफेक्ट डालने के लिए इसको पहले डुप्लीकेट लेयर करना है, ठीक है। लेयर करने के बाद ये दोनों वीडियो हो गए, ठीक है, ऊपर नीचे। तो भाई नीचे वाले लेयर का ओपेसिटी कम कर देना और ऊपर वाले का वॉल्यूम कम कर देना, जिससे दोनों का वॉल्यूम सेम है। देख सकते आप जाती है। तुम, हम गलत अल्फाज पसंद नहीं करते, हम तुम नहीं, आप नहीं। और इफेक्ट डालने के लिए हमें करना है कहीं पे भी कट करना, मतलब डायलॉग देख लीजिए कहाँ पे आपको कट मारना। तो वीडियो पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन आ रहा है, उस पर ट्रिम कर दीजिए। फिर यहाँ पे भी ट्रिम है, ट्रिम कर दीजिए। अब जहाँ जहाँ चाहते हैं वहाँ वहाँ ट्रिम कर दीजिए, जहाँ पे माइनस का ये लोगो बन जाता है। अब अपने हिसाब से जहाँ कर सकते हो वहाँ वहाँ कर दीजिए। तो मैंने कर दिया यहाँ यहाँ। तो भाइयों ऐसा करके एक बाद ये माइनस पे क्लिक करना है, और अब जो भी इफेक्ट्स लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये आपको सारे काइन मास्टर के स्टोर पे मिल जाएंगे, वह चेक किया करो ब्रो, जिसको नहीं मिला अभी तक। तो आप अपने हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, डायलॉग के हिसाब से, वर्ड्स के हिसाब से एकदम बैठा लीजिए, ठीक है। तो कुछ आपको इस टाइप का दिखेगा, इस टाइप का है मटेरियल। तो सब में लगा लीजिए अपने हिसाब से। और हाँ भाई, लगाने से पहले क्या होता है ना, मतलब वीडियो थोड़ा इधर उधर होने लगता है ऊपर वाला। तो भाइयों उसको सही करना कैसे है वो मैं बताता हूँ, जैसे कि अभी देखिए तो ज़्यादा ही जल्दी हो गया। तो इस पर क्लिक करना, थोड़ा सा आगे बढ़ा देना जिससे डायलॉग मैच कर जाए। चलिए मैच कर गया, तब आगे का ट्रांजिशन इफेक्ट लगा देते हैं हम। तो आप अपने हिसाब से जो लगाना लगाइए भाई। तो फिर से यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। आप भी, आपका भी वीडियो बनाने में ऐसा होता है तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा, आगे पीछे थोड़ा कर लीजिएगा,
डायलॉग से मैच होना चाहिए भाई, तभी तो वीडियो बनेगा। हाँ तो गाइस मैं वीडियो स्किप कर देता हूँ, सब मेट्राइजेक्शन लगा देता हूँ मैं। तो गाइस हमने लगा लिया है सारे ट्रांजेक्शन, तो एक बार देख लेते हैं। हर आने वाले तूफान से पहले एक जानलेवा खामोशी छा जाती है। तो हम गलत अल्फाज पसंद नहीं करते, हम तुम नहीं, आप नहीं। तो भाई आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगली बार अगला ट्यूटोरियल में इस वाले वीडियो पे लेने वाला हूँ जिसपे हमें 2 मिलियन व्यू मिले भाई। तो अगले ट्यूटोरियल का इंतजार रहेगा या फिर नहीं रहेगा कमेंट में मारिए। और भाइयों भाई इस पे हमको लाइक्स मिलने चाहिए भाई, अब मैं टारगेट नहीं रखता, अब आप पे निर्भर करता कि आप लाइक्स दो। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है ना भाई तो लाइक मारो यार, आपके लाइक से हमें लगता है कि भाई हाँ मेहनत मैंने जो किया है वो लोग बंदों पे पहुंच रहे हैं। और अगला वीडियो तो भाई बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं कुछ और भाई इफेक्ट्स, बहुत सारे इफेक्ट्स भरे हुए हैं भाई, इतने इफेक्ट्स भरा हुआ है ना मैं खुद नहीं पता उस बता सकता हूँ। ठीक है, अगले वीडियो का इंतजार करो। और हाँ भाई आप लोगों को प्यार देखने हो ना, क्या बोलो भाई 69K हो गए ऑलरेडी भाई, 70K भी जल्दी हो जाएंगे हमारे, तो भाई सब्सक्राइब करो। अभी तक सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया भाई वो लाल वाले बटन को ना भाई तो मार के वाइट कर दो, वाइट करके ना सब्सक्राइब के आगे ईडी लगा दो और घंटा लगा दो ताकि सबसे पहले स्टेटस बनाना सीखना आपको आए। तो भाई अब इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, टेक केयर, बाय बाय।